गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को रोहतक में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता भिवानी स्टैंड चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर शहर के कई मार्गों से होकर गुजरे और भारत माता की जयकारे के नारे भी लगाए। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। सुरेंद्र बंसल, आज की तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश का मान सम्मान, देश की आन बान शान तिरंगा यात्रा निकाली है। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ, उसके विरोध में आज ये तिरंगा यात्रा जोहानी स्टैंड से लेके छोटू राम के चौक तक, किसानों के मसीहा छोटू राम के चौक पर आके हमने उनको नमन किया। जो ये किसान के कानून है, तीनों कृषि कानून किसान के हित में है और तिरंगा यात्रा भी उन्हीं के हित में निकाली गई है। और जो कल देश का बजट पेश हुआ, उसमें किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्ज का प्रावधान, MSP पहले से डोड़ी रहेगी, मंडियां यूं ही रहेंगी, ज़मीनें यूं ही रहेंगी। किसान भाइयों को, भोले भाले को जो बरगला कर वहाँ बैठाया गया, उसके विरोध में तिरंगा यात्रा आज या पूरे रोहतक में निकाली गई है। देश का आन बान शान तिरंगा जिसमें अशोक तिरंकित है, जिसके लिए लाखों लाख माँ भारती के सपूत देश की आज़ादी पर बलि बेदी पर समा गए, आज हमने उसकी आन बान शान के लिए तिरंगा यात्रा रोहतक में निकाली है। धन्यवाद। तिरंगा का मैं बंसी विज सरपंच गांव बनियानी से, और किसान भी हों जो हमारा वहाँ पे तिरंगा का जो अपमान किया गया है उसके बारे में हमने ये निकाला है। और इस तरह तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे लिए तिरंगा एक अपमान करना हमारे लिए गलत है, और इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली है। इसके लिए मैं शुभ चिंतक हूँ। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जो तिरंगा का अपमान हुआ लाल किले पे, किसानों ने अपमान किया, किसानों का नाम था, मैं भी एक किसान हूँ, किसान इससे दूर है। ये सिर्फ राजनीति का एक बटंगर था, इसीलिए उन्होंने ये किया है, और ये सारा राजनीतिक का है, राजनीति को ढाने के लिए। लेकिन तिरंगे का अपमान ऐसे राजनीतिक से नहीं सहा जाता।